लालू प्रसाद यादव के राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होने पर ही उनके विरोधी बीजेपी के नेता तिलमिला चुके हैं। बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव चाहे कितने भी राजनीति में सक्रिय हो जाए, लेकिन बिहार में उनकी राजनीति पर फुल स्टॉप लग चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, आपको दिखाते हैं। जहाँ तक राजनीति है विषय है, वो राजनीति पर उनका फुल स्टॉप लग चुका है। अब किसी से मिलने से जुलने से, हो सकता है पुराने मित्रों से मिलने का अच्छा स्वास्थ्य को लाभ मिलता होगा, राजनीति में कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ, ये तारीफ पहले करते तब ना समझ में आता, आज तारीफ क्यों कर रहे हैं। जिस दिन चिराग के साथ अलग अलग बयान देते थे तेजस्वी यादव, उस बयान के बारे में लालू जी का क्या करना है इसको भी बताना चाहिए। तीसरे मोर्चे की तैयारी मान सकते हैं, कर रहे हैं भाई, चुनाव आएगा तो कोई ना कोई मोर्चा बनेगा, लेकिन कौन मोर्चा। बसपा अलग भागती है, ममता अलग भागते हैं। पहले तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए ना कि ममता दीदी का जो बयान बंगाल में आता है उस बयान से वो अवगत हैं कि नहीं है। बिहार के लोगों को अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया और वही ममता दी के साथ बैठकर तीसरा विपक्ष बनाएंगे तो बिहार ने सुना नितिन नवीन को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चाहे लालू प्रसाद यादव कितने भी सियासी मुलाकात कर ले, लेकिन उन मुलाकातों से कुछ भी होने वाला नहीं है, उनकी राजनीति पर बिहार में फुल स्टॉप लग चुका है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर आकर दिल्ली में है, लेकिन उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, जिसके कारण वो कई राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शरद यादव से मुलाकात की है, जिससे ये सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि वो फिर से कुछ सियासी खिचड़ी पकाने वाले हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव राजनीति में जैसे ही सक्रिय हुए, वो एक बार फिर से अपने पुराने बेबाक अंदाज में लौट आए हैं और मीडिया से कई सारे बातें कही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है और साथ में बिहार में नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर भी लालू प्रसाद यादव ने कई तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे लोजपा में कुछ भी हो जाए, दोफार ही हो क्यों ना हो गई, लेकिन चिराग पासवान असली लीडर बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग पासवान एक बार साथ आए, लेकिन नितिन नवीन ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव तो चिराग के खिलाफ बोलते थे, तो लालू प्रसाद यादव को वो बातें याद नहीं है क्या। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों राजनीति में काफी सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। एक बार फिर से वो कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कई तरह की बयानबाजियां भी कर रहे हैं, जिससे कि लग रहा है कि बिहार में एक नया खेल शुरू होने वाला है। वो तीसरे मोर्चे की भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।